hello friends today I would be concluding bank reconciliation statement with a very small trick which is hand moment this is very very easy to solve so previously we saw a question on page number 3.9 of study mat this is the passbook we have seen all these entries green mark was already transferred in cash book and this red marks were not transferred right so we had to do the reconciliation for the same secondly

तो ऑलरेडी देर इज एन एंट्री पास इन कैश बुक सो कैश बैलेंस इज इंक्रीज देखो यहां पे कैश बैलेंस का जो हाथ है वो ऊपर है और जो पासबुक का हाथ है वो नीचे है तो क्या हुआ है यहां पे वी हैव टू गो फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक मतलब अपवर्ड एरो अपवर्ड एरो मतलब वी हैव टू एड अभी आप देखो यहां पे वॉट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक बैलेंस ऑफ पासबुक इज टू फोर्टी थ्री ट्रिपल जीरो आई राइट डाउन टू फोर्टी थ्री ट्रिपल जीरो एंड सिंस वी हैव मार्क्ड दिस अपर्ड एरो एंड एडिशन मार्क् तो जो डेबिट में दो एंट्रीज थी वॉट आर दोज टू एंट्रीज एम मोहन एंड कंपनी एडी एनसंस दैट इज़ वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो एंड थर्टी फोर थाउजेंड एड कर दो उसको वन जीरो फाइव ट्रिप्पल जीरो प्लस थर्टी फोर थाउजेंड दैट कम्स टू थ्री एटी टू ट्रिपल जीरो राइट टैली द आंसर आपका ऐसा आता जगह दिस इज कैन सॉल्व बाय दिस हैंड मूवमेंट कुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एट होम राइट सो आर ट्रिपल जीरो राइट टू रिमेम्बर दिस लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दिस यू नो स्क्रीन सेकेंड हम लोग अभी हम लोगों ने डेबिट साइड देख लिया कैश बुक का कौन सा मोहन and, and sons तो अभी दूसरा देखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो अगर हम लोग कैश बुक में क्रेडिट करते हैं कैश बुक में क्रेडिट साइज़ में कोई एंट्री पास करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि कैश बैलेंस कम हुआ है आप देख लो यहाँ पे कि कैश बैलेंस हमारा नीचे साइड पे दिख रहा है राइट तो हमको कैसे अराइव करना है अभी फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक वी हैव टू अराइव एट कैश बुक तो अभी डाउनवर्ड आ है तो आप क्या करोगे इसको लेस करोगे ठीक है अभी जो भी एंट्री होगी क्रेडिट में आप उसको लेस कर दो क्रेडिट साइड में के एम नागपाल एंड कंपनी बाबू एंड कंपनी सेवेंटी थ्री थाउजेंड एंड सेवेंटी एट थाउजेंड अभी इसको क्या कर दो आप रिड्यूस कर दो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं आप देख लो हाथ ऊपर नीचे एंड यू अंडरस्टैंड कि नीचे गया तो लेस करना है और हाथ ऊपर है तो इसको ऐड करना है सो so अभी यहाँ पे हैंड मोवमेंट क्या है नीचे साइड है यू हैव टू लेस इट और प्रीवियसली हमने पिछला बैलेंस हमारा क्या था थ्री एटी टू ट्रिपल ज़ीरो हमने ऐड कर दिए थे ना दो एंट्रीज तो हमारा न्यू बैलेंस इज नाउ थ्री एटी टू ट्रिपल ज़ीरो हमने अभी देखा डाउनवर्ड एरो दैट मीन्स लेस क्या करना है लेस कितना करना है सेवेंटी थ्री थाउजेंड नेक्स्ट और एक बार लेस कर दो सेवेंटी एट थाउजेंड दो एंट्रीज है क्रेडिट में राइट तो योर बैलेंस इफ यू कैलकुलेट दिस ऑन कैलकुलेटर कम्स टू टू थर्टी वन ट्रिपल जीरो अभी इस बैलेंस को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगेन यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड बाद में आपको कैसे करना है तो so अभी अगर आप कैश बुक देखोगे अभी तो वी आर डन विद मोहन एंड कंपनी एंड एंडियन सन्स ये दोनों बैलेंसेस हो गए वी आर डन विद के नागपाल एंड कंपनी सेवेंटी थ्री थाउजेंड बी बाबू एंड कंपनी सेवेंटी एट थाउजेंड ये हमारा खत्म हो गया राइट अभी यू कैन सी ग्रीन मार्क रेड मार्क एवरी थिंग इज ओवर अभी हम लोग ये तीन एंट्रीज देखेंगे अभी क्या होता है अगर डेबिट ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक इज कैश बैलेंस इंक्रीज और अगर सिमिलरली डेबिट ऑफ पासबुक मतलब कैश बैलेंस डिक्रीज्ड क्रेडिट ऑफ कैश बुक मतलब कैश बैलेंस डिक्रीज और क्रेडिट ऑफ पासबुक मतलब बैलेंस इंक्रीज आप जब भी पैसे अगर डिपॉजिट करते हो आपके बैंक अकाउंट में तो आपको एक मैसेज पॉपअप होता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ मतलब क्या हुआ आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ गया एंड इफ यू बाय समथिंग अगर आप आपका कार्ड स्वाइप करते हो कहीं पे तो यू गेट अ मैसेज कॉल्ड एज योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ राइट तो अपोजिट चलता है अभी आपका पासबुक में कौन सा ऑटोमेटिकली बैलेंस बढ़ गया आपने आपके बैंक डिटेल्स देखे रखे थे ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो आपने इन्वेस्ट किया था उन्होंने आपको इंटरेस्ट दिया है कितना इंटरेस्ट दिया है ट्वेंटी थाउजेंड ऑटोमेटिकली आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है तो अभी देखते हैं हैंड मूवमेंट में क्रेडिट इन पासबुक क्रेडिट हो गया आपका पासबुक मतलब क्या हो गया आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ गया देखो यहाँ पे पासबुक वाला हाथ ऊपर है राइट तो बैंक बैलेंस इज इंक्रीज आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक मतलब डाउनवर्ड एरो दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूज इट राइट तो पिछला बैलेंस कितना था आपका योर प्रीवियस बैलेंस वॉज टू थर्टी वन ट्रिपल जीरो डाउनवर्ड एरो रिड्यूस कर दो कितना ट्वेंटी थाउजेंड दैट कम्स टू टू डबल वन ट्रिपल जीरो टैलीट इन योर बुक मतलब सिंपलेस्ट मेथड है यू डोंट नीड टू स्ट्रेस ऑन योर माइंड जिसका बैलेंस बड़ा चढ़ा है आप सिर्फ हैंड मोवमेंट कर दो और आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है नेक्स्ट इज आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने जो दे के रखे थे बैंक को ये देखो प्रीमियम एंड योर बैंक चार्जेस मतलब कितना कि भाई बैंक जब टाइम आएगा तो प्लीज आप ये डिडक्ट कर लेना मतलब मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस कर लेना बट कैश बुक में पता नहीं है आपको तो क्या हुआ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन थाउजेंड कट हो गए राइट उसका मतलब क्या है डेबिट इन पासबुक मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज आपका बैंक बैलेंस कम हो गया दे दिया इंश्योरेंस को दे दिया आपका बैंक चार्जेस कट कर लिया मतलब क्या हुआ देखो आपका बैलेंस कम हो गया और आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है फ्रॉम पासबुक टू कैशबुक ये देखो एरो अपवर्ड्स दिख रहा है ना फ्रॉम पासबुक टू कैशबुक अपवर्ड एरो दैट मीन्स एड ओके तो अगेन योर प्रीवियस बैलेंस वॉज टू डबल वन ट्रिपल जीरो यू हैव टू एड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंश्योरेंस एड वन थाउजेंड बैंक चार्जेस मतलब आपका कितना बैलेंस आ गया अभी टू थर्टी सेवन ट्रिपल ज़ीरो अब कोई एंट्री बची नहीं है और ये जो बैलेंस है आपका दिस इज़ योर कैश बैलेंस आप अगर अभी देखोगे ये देखो यहाँ पे यू गॉट द बैलेंस टू थर्टी सेवन ट्रिपल ज़ीरो राइट दिस इज़ वेरी ईजी अगर आपको अभी हम इसका अपोजिट सॉल्व करते हैं फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक फटाफट वो भी सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व दिस फ्राम अराइव एट कैश बुक फ्राम पासबुक अभी हम लोग दूसरा भी देखते हैं अराइव एट पासबुक फ्राम कैश बैलेंस राइट अपोजिट वाला लेट्स सी कैसे करते हैं उसको अगर आप देखोगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज देखा ना हमने तो यहाँ पे देखो कैश बुक का जो हाथ है वो क्या है ऊपर है और पासबुक का नॉर्मल जहाँ पे है वहाँ पे वी आर सॉल्विंग अराइविंग एट पासबुक फ्रॉम कैश बैलेंस अभी हमको कैश बैलेंस से पासबुक तक जाना है पहले हमने टू फोर्टी थ्री ट्रिपल ज़ीरो से चालू किया था राइट right? तो अभी हम चालू करेंगे टू थर्टी सेवन ट्रिपल जीरो से तो राइट डाउन टू थर्टी सेवन ट्रिपल ज़ीरो राइट अभी डेबिट में हो गया था कैश बुक में डेबिट हो गया था मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज पर हमको क्या करना है फ्रॉम कैश बैलेंस फ्रॉम कैश टू पासबुक आना है मतलब डाउनवर्ड एरो मतलब क्या करना है लेस करना है तो कैसे करेंगे लेस तो जो दो एंट्रीज थी वो कौन कौन सी मदन एंड कंपनी नंदी एंड सन्स दैट इज़ वन जीरो फ़ाइ ट्रिपल ज़ीरो एंड थर्टी फोर थाउजेंड वन ज़ीरो फ़ाइव ट्रिपल ज़ीरो एंड थर्टी फोर थाउजेंड दोनों को रिड्यूस कर दो तो आंसर आता है नाइन्टी एट थाउजेंड राइट दिस वर्क्स दिस वे राइट अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उल्टा पहले हम पासबुक से कैशबुक तक जा रहे थे अब कैश बुक से पासबुक तक आ रहे हैं डाउनवर्ड लेस तो बैलेंस कहाँ से चालू किया अभी कैशबुक से कैश बुक बैलेंसेज टू थर्टी सेवन ट्रिपल जीरो हम लोग दोनों बैलेंसेज को अब रिड्यूस कर रहे हैं राइट right? कौन कौन से डेबिट साइड के जो बैलेंसेस थे वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो थर्टी फोर ट्रिपल जीरो राइट क्यों ऐसा किया हमने क्योंकि वो कैश बुक में बैलेंस हो गया है बट पासबुक में एंट्री पास हुई है क्या अभी तक नहीं हुई है दैट्स वाई हमने उसको क्या किया है रिड्यूस किया है यहाँ पे राइट क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक देखेंगे क्या किया क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक कैश बैलेंस कम हो गया कौन कौन से दो एंट्रीज थे वो के नागपाल एन कंपनी बी बाबू एंड कंपनी सेवेंटी थ्री थाउजेंड सेवेंटी एट थाउजेंड बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं वी आर कैश बुक कम हो गया तो आप देखो यहाँ पे कैश कैश बुक का हाथ जो है वो नीचे है कैश बुक का हाथ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वो नीचे है और वी हैव टू गो अराइव एट पासबुक फ्रॉम कैश बुक तो देखो कैश बुक से जाएंगे पासबुक तक अराइव करेंगे अपवर्ड एरो दैट मीन्स एड तो अवर प्रीवियस बैलेंस वॉज नाइन्टी एट थाउजेंड ऐड कर दो क्योंकि हमने अपवर्ड एरो किया है देखो ऐड का सिंबल दिख रहा है तो ऐड कितना करेंगे हम सेवेंटी थ्री थाउजेंड एड सेवेंटी एट थाउजेंड कितना आ जाएगा वो बैलेंस आपका बैलेंस आ जाएगा अभी टू फोर्टी नाइन ट्रिपल जीरो चेक दिस आउट जूम आउट किया है प्लीज टेक द स्नैपशॉट आपको बाद में काम आएगा अभी हमारा कैश बुक खत्म हो गया वी हैव सीन डेबिट साइड क्रेडिट साइड राइट दोनों एंट्रीज हो गई अभी हम लोग देखेंगे डेबिट फ्रॉम पासबुक तो डेबिट फ्रॉम पासबुक मतलब क्या हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया आप देखो यहाँ पे पासबुक का हाथ कहाँ पे है नीचे है बट हमको जाना कहाँ से कहाँ तक है फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक तो ये डाउनवर्ड एरो है तो आप क्या करोगे अभी रेड्यूस हमारा पिछला बैलेंस अव प्रीवियस बैलेंस वॉज टू फोर्टी नाइन ट्रिपल ज़ीरो यहाँ पे हमको लेस करना है कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंश्योरेंस वन थाउजेंड बैंक चार्जेस जो डिडक्ट किए थे राइट तो अभी आप ये लेस कर दोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे टू ट्वेंटी थ्री ट्रिपल ज़ीरो टू ट्वेंटी थ्री ट्रिपल ज़ीरो राइट सी बैंक बैलेंस कम हो गया बट वी हैव टू अराइव फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक मतलब डाउनवर्ड एरो दैट मीन्स रिड्यूस तो हमने दो बैलेंसेस को क्या कर दिया अभी यहाँ पे Reduce कर दिया राइट सो वी आर डन कैश बुक का दोनों बैलेंसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैंक बुक का सो फार वी आर डन विद का डेबिट साइड जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे डिडक्ट हो गया था नाउ नेक्स्ट अब क्या बचा है क्रेडिट इन पासबुक बैंक बैलेंस इंक्रीज जो था ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट उसमें क्या हुआ बैंक बैलेंस बढ़ गया बट हमको क्या करना है यहाँ पे वी हैव टू अराइव एट पासबुक फ्रॉम कैश बैलेंस तो देखो फ्रॉम कैश बुक टू Book. मतलब कहां जा रहा दैट मींस एड तो प्रीवियस बैलेंस कितना था टू ट्वेंटी थ्री ट्रिपल जीरो ट्वेंटी थाउजेंड जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिला है ना ट्वेंटी थाउजेंड उसको एड किया सो यू गेट द आंसर ऑफ टू फोर्टी थ्री ट्रिपल जीरो दिस आंसर अगर आप ये बैलेंस चेक करोगे तो ये आपका पासबुक का बैलेंस है क्योंकि हमने क्या किया है हमको जाना कहाँ से फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक ये एरोज़ देखो ना हमने क्या किया है फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक तो हमारा अभी बैलेंस कितना आ गया है टू फोर्टी थ्री ट्रिपल ज़ीरो पासबुक का बैलेंस चेक करोगे टू फोर्टी थ्री ट्रिपल जीरो दिस इज सिंपल बहुत आसान है शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एट टू टेन मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ हैंड ट्रिक से यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो आई थिंक दिज आर द फ्री मार्क्स विच यू कैन स्कोर If you follow this trick. So, thank you so much, guys. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.